आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, देखिए इस प्रश्न में क्या है कि दो रेलगाड़ियों क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है, तो सापेक्षिक गति ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ी ये पहली रेलगाड़ियां हैं और एक दूसरी रेलगाड़ी है। यहाँ पर ये दोनों ही रेलगाड़ी समान दिशा में यात्रा कर रही है। अब इस रेलगाड़ी की जो चाल है उसको V1 मान लेते हैं और इस रेलगाड़ी की जो चाल है V2 मान लेते हैं, और दोनों एक समान दिशा में चल रही है। तो इस स्थिति में हमारे पास दोनों रेलगाड़ियों के लिए अगर हम लिखें तो सापेक्षिक गति जो होगा रेलगाड़ी एक का दो के तुलना में या दो का एक के तुलना में, तो सापेक्षिक गति आता है सापेक्षिक गति बराबर गति में अंतर, गति में अंतर। अब देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर दिया गया है V1 बराबर प्रश्न में दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और V2 का मान जो दिया गया है V2 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस स्थिति में हमारे पास सापेक्षिक गति क्या आ जाएगी, तो इस प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो सापेक्षिक गति जो आ जाएगा वो उसका मान आएगा V2 - V1, अर्थात रेलगाड़ी एक दो का एक के तुलना में सापेक्षिक गति जो है, क्योंकि दोनों ही गाड़ी समान दिशा में यात्रा कर रही है, तो इस स्थिति में सापेक्षिक गति जो होगा गति में अंतर, तो गति में अंतर हम देखें तो 50 - 40 तो ये आ जाएगा आपके पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रश्न में कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है, तो सापेक्षिक गति क्या होगा, सापेक्षिक गति इस स्थिति में हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।